प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के देपालपुर में प्रधानमंत्री मोदी के बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर पीएम बनने तक के सफर को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया। इस दौरान अधिक संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनके कई ऐतिहासिक निर्णय जैसे धारा 370 को हटाना, श्री राम के मंदिर के निर्माण, कोविड काल में 140 करोड़ भारतीयों के टीके सहित दुनिया भर में टीके भेजना हो या सर्जिकल और एयर स्ट्राइक को दिखाया गया है। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश सह संयोजक डॉ निशांत खरे, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ राजेश सोनकर, सांसद शंकर लाल वानी सहित तमाम पद अधिकारी मौजूद रहे। सभी अभी पिछले सप्ताह भर से प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। हमने सबने बहुत बड़े बड़े निर्णय होते हुए पिछले 7-8 साल में देखे हैं, जो हम मानते हैं कि भारत का लगभग इस स्वर्णिम युग में प्रवेश जैसा ये काल है। इन सारे 7-8 साल के निर्णय जो कई बार देखने में लगते हैं कि बड़ी आसानी से हो गए, इसके पीछे की बड़ी लंबी कहानियां हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। इसी में आज इंदौर भारतीय जनता पार्टी जिले की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री कार्यकाल के कृतित्व और व्यक्तित्व पर आधारित आज व्याख्यान माला थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े का आयोजन हर जगह किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण की तरफ से ये प्रोग्राम बेटमा में आयोजित हुआ।